आज हम आपको फिर से याद कराते हैं वो दिन जब भारत से निकलकर बना था पाकिस्तान और सरहद पर एक तरफ तिरंगा और दूसरी तरफ हरा झंडा फहरा था। पर रुकिए, इससे पहले कि आप भक्त हो जाएं, सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रही है झूठी खबर देख लीजिए। ये कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी का रोड शो है और राहुल के इस रोड शो में लहराए गए हरे रंग के झंडे। व्हाट्सएप, फेसबुक और ट्विटर पर ये खबरें धड़ल्ले से शेयर की जा रही हैं। जरा ध्यान से देखिए ये दो तस्वीरें, कुछ समझ आया? अगर नहीं तो हम समझाते हैं आपको असली सच्चाई। दरअसल केरल में हुई कांग्रेस पार्टी की इस रैली में दिख रहे थे हरे झंडे, पाकिस्तान के नहीं है बल्कि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के हैं। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग केरल में कांग्रेस की सहयोगी पार्टी है। आपको बताते चले कि आजादी से पहले भारत में जिन्ना द्वारा बनाई गई मुस्लिम लीग पार्टी थी जो पाकिस्तान बनाने के पक्ष में थी और भारत के बंटवारे के बाद पाकिस्तान ही चली गई और पाकिस्तानी पार्टी हो गई। लेकिन इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की स्थापना आजाद भारत यानी कि इंडिपेंडेंट इंडियन यूनियन में हुई थी, इसलिए इसका नाम पड़ा इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग। तो साफ है कि यह पार्टी पूरी तरह से इंडियन है और इसके झंडे भी। लेकिन ये बात समझने के लिए इतिहास की जानकारी जरूरी है, फेक डिग्री की नहीं। वैसे ये फर्जी खबरें वो लोग फैला रहे हैं जिन्होंने कश्मीर में चुनाव प्रचार के लिए अपना रंग ही बेच दिया। तो इस पड़ताल से ये साबित हो गया है कि राहुल गांधी के रोड शो में कांग्रेस के झंडों के साथ जो हरे झंडे दिखाई दिए वो पाकिस्तान के नहीं है। किस तरह सोशल मीडिया के माध्यम से धर्म और पाकिस्तान के नाम पर नफरत को बढ़ावा दिया जा रहा है और अपने राजनीतिक फायदों के लिए जनता को गुमराह किया जा रहा है। अब जब ले लिया है इंडिया ने टेक अप, तो करते रहिए शट डाउन। शट द फक अप, शट 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 शट।